प्रभारी होने के नाते कहते हैं। हमने प्रदेश कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता माननीय खड़गे जी ने की, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और सब केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हुए। मध्य प्रदेश के राजनीतिक सूरत हाल पर चर्चा हुई, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को एक तरह से बर्बादी और तबाही की राह पर लाकर खड़ा कर दिया, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में नौकरियां मंडी लगाकर बेची जाती हैं, इस पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से हर रोज बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ होता है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में अकेला ऐसा प्रांत है जहां हर रोज 8 बेटियों से बलात्कार होता है, जहां 18 साल में 58,000 बेटियों से बलात्कार हुआ और 68,000 बेटियों का अपहरण हो गया, यानी 12 बेटियों का मध्य प्रदेश में हर रोज अपहरण होता है। मध्य प्रदेश में एक से एक भ्रष्टाचार के स्कैम्स हैं। उन्होंने बच्चों का पोषण आहार खा लिया, बच्चों की 45 लाख के करीब स्कूली ड्रेस खा ली, यहां तक कि मुर्दों का इलाज करके पैसा खा लिया। महाकाल का के नाम पर जो पैसा भ्रष्टाचार में खा जाएं, उन लोगों का क्या करें जो भगवान के नाम पर भी पैसा खा जाएं। इसलिए हमने ये ब्रीफ किया केंद्रीय चुनाव समिति को कि मध्य प्रदेश अब बदलाव चाहता है और बदलाव की कगार पर है, परिवर्तन की लहर बह रही है। इसीलिए घबराकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अब शिवराज जी के नाम और काम दोनों से किनारा कर लिया है। वो तो शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से भी कतराते हैं। 18 साल में एक भी ऐसी स्कीम नहीं जो प्रधानमंत्री वहां आए बता सके जो भाजपा ने लागू की हो। केवल और केवल मध्य प्रदेश में एक झांसाराम है, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और दूसरी उनकी झूठ की दुकान है जो भारतीय जनता पार्टी की है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने सीटों पर चर्चा की, हमने निर्णय किया कि बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे और जैसे ही हम नाम फाइनलाइज कर लेंगे हम आपको सूचित करेंगे। सर चर्चा कितनी सीटों पे हुई, सीटों पे कितनी चर्चा हुई सर आपकी? सर कार सर्विसेज को लेकर भी बातचीत हुई है क्या आपकी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, जातीय जनगणना मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। मध्य प्रदेश में हमारे ओबीसी भाई बहनों को न्याय मिले, एससी एसटी समाज के भाई बहनों को न्याय मिले, ये कांग्रेस का प्राथमिक एजेंडा है और इसलिए बाकायदा जातीय जनगणना पर चर्चा हुई। और श्री कमलनाथ ने और कांग्रेस के अन्य साथियों ने बताया कि जातीय जनगणना हमारा प्राथमिक एजेंडा मध्य प्रदेश में रहेगा। सर सीटों पे कितनी हुई सर, कितनी सीटों पे चर्चा हुई आज, चर्चा कितनी सीटों पे हुई सर? देखिए 230 विधानसभा सीट मध्य प्रदेश में है, जैसा आप जानते हैं एक बार हर सीट की राजनीतिक वास्तु स्थिति की चर्चा अवश्य की जाती है और लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में लगभग एक बार सभी सीटों पर चर्चा हो गई। अगली मीटिंग बहुत जल्द होगी और फिर हम धीरे धीरे नाम फाइनलाइज करना शुरू करें। सर सूची की कब तक इंतजार, क्या कब तक आ सकती है? केंद्रीय चुनाव समिति और उसके अध्यक्ष माननीय खड़गे जी के अधिकार क्षेत्र में है कि वो पहली लिस्ट कब निकालेंगे। मुझे लगता है इसका जवाब आपको मेरे आदरणीय सहयोगी केसी वेणुगोपाल जी दे सकते हैं। क्या सर हर जी बड़े नेता की सीट में फेरबदल भी हो सकता है, इसकी संभावना? देखिए किसी की सीट बदलना या देना मेरे तो अधिकार क्षेत्र में नहीं, परंतु जो भी यथास्थिति है राजनीतिक हमने वहां रख दी। हमारे नेता आश्वस्त है जनता के आशीर्वाद को लेकर। 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश के लोगों को जिस प्रकार से लूटा गया है, बेबस और लाचारी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नेताओं को कोई खतरा है। खतरा तो अब खुद शिवराज सिंह चौहान जी को भी है, इसीलिए वो आजकल अलग अलग बातें कहने लगे हैं और शायद वो अपनी सीट लड़ेंगे भी या नहीं, या मोदी जी उन्हें टिकट देंगे भी या नहीं, अब तो उनको उस पर भी शक है। मैं कल बुधनी जा रहा हूँ, जरूर वहाँ बात करके आपको बताऊंगा। कमलनाथ क्या सीएम फेस रहेंगे? कमलनाथ जी सीएम फेस रहेंगे? देखिए कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। जो भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक तौर से कांग्रेस का